गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ से ऑनलाइन क्लासेस हाँ तो हम कर रहे थे सेकेंड चैप्टर ऑफ द हॉर्नबिल बुक और वो हमने उसका टेक्स्ट जो है वो पढ़ दिया था और आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं आई होप आप सब ने एक बार इसका टेक्स्ट जो है वो पढ़ लिया होगा uh, और आई होप के टेक्स्ट को समझने में आप अंडरस्टैंडिंग अब ज्यादा बेहतर हो चुकी होगी। okay. अब हम क्वेश्चंस देखेंगे और टेक्स्ट uh, को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट <coughs> है लिस्ट स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन एंड सेकंड टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप क्वेश्चंस हैं पूछते हैं कि uh, कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाओ उन स्टेप्स की उन इकदाम की यानी उन कदमों की कदमों यानी इकदाम की आ, पहला तो एक वो आ, कि जिससे जो आ, कैप्टन था उसने कोशिश की कि शिप को बचाने की रफ़ वेदर से और जब वेदर जो है वो दोबारा से ख़राब हो गया था मौसम दोबारा से ख़राब हो गया था तब से और दूसरा आ, उसने क्या इकदाम किए कि उसने क्या इकदाम किए कि जो फ्लडिंग हो रही है शिप के अंदर यानी जो पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए अच्छा तो इसमें हम कह सकते हैं कि फ़र्स्ट वाले के लिए कि जब दोबारा से मौसम ख़राब हुआ तो उसने क्या कोशिश की उसने कोशिश की उस हल को रिपेयर करने की उसने कुछ प्लास्टिक के बैरल्स लिए यानी कुछ प्लास्टिक के ड्रम्स लिए और नायलिन की रोप ली और उनके साथ उसको बांधा और किसी तरीके से वो गैप्स जो हैं वो भी रोके और शिप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की और दूसरा पानी रोकने के लिए उसने क्या किया पानी रोकने के लिए एक तो जो हैंड पंप थे वो ख़राब हो चुके थे और इलेक्ट्रिक पंप भी ख़राब हो चुका था तो उसने कहीं अंदर कहीं रखा हुआ था स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप वो कहीं ढूंढ के निकाला और उससे जो है पंपिंग दोबारा स्टार्ट की और साथ ही साथ में उसने ये किया कि जो गैप्स थे यानी स्टार बोर्ड में जो बोर्ड के अंदर जो गैप्स थे या सुराख हुए हुए थे उनको जो है चार्ट से या किसी भी कोई प्लास्टिक से या जो भी उसके पास मौजूद था वाटर प्रूफ कोई चीज़ उससे जो है उसने कवर किया था और वो कहता है कि उसके बाद पानी जो है वो डिफ्लेक्ट होने लग गया था सेकेंड है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉइजर्स ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी के मेंटल कंडीशन जो है वो वॉइजर्स की वॉइजर्स यानी जो सफ़र कर रहे थे वॉइज पे वॉइज पे थे यानी जहाज के ऊपर थे उन उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी यानी उनके दिमाग में क्या चल रहा था ज़ेनी तौर पर वो क्या सोच रहे थे और क्या हालत थी उनकी जहनी तौर पे फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी को तो फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी को हम देख सकते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी को क्या हुआ यहाँ पे सेकेंड जनवरी को ये सारा मामला स्टार्ट हुआ फोर्थ जनवरी को ये हुआ ये कहते हैं कि ऑन जनवरी फोर्थ आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पम्पिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ठीक है 4 जनवरी को ये हो गया कि छत्तीस घंटे पम्पिंग करने के बाद थोड़ा ही पानी बच गया था तो यहाँ से लगता है कि इनकी जहनी जो कंडीशन थी वो थोड़ी बेहतर हो चुकी थी अब थोड़ी थोड़ी बहुत इनको राहत जो है वो मिल चुकी थी उसके बाद फिर हम चलते हैं जब कहाँ पे कहाँ पे हाँ नेक्स्ट जब फिफ्थ जनवरी की बात आई तो उसमें क्या हुआ कि जो कैप्टन था यानी ये जो रेटर भी है वो जो है वो ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से हमें कोई जजीरा मिल जाए जहाँ पे हम जो है वो उतर सकें और फिर शिप की मरम्मत कर सकें तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी के अंदर इनकी जो मेंटल कंडीशन थी वो थोड़ी सी रिलीव थी थोड़ा रिलीफ मिला हुआ था थोड़ी इनको राहत मिली हुई थी और यही वो दिन है शायद जिनमें उन्होंने थोड़ी बहुत जो थोड़ा बहुत खाना जो है वो खाया था नेक्स्ट आई डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द थ्री सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट टेक्सट गिबल सॉरी गिव अ सब टाइटल टू हीच सेक्शन कहते हैं कि इस कहानी में सेक्शन बनाई हुई है यानी पहले एक कहानी मतलब एक जो है वो पहलू है फिर दूसरा पहलू है फिर तीसरा है तो इसी तरीके से क्या करें कि इसकी इनके सेक्शनस के नाम दें सब टाइटल बनाएं जैसे पहली सेक्शन में क्या कहता है जो पहली शुरुआत के जो फर्स्ट पेज है उसमें ये कहते हैं बताते हैं कि कैसे मे और मेरी वाइफ जो है वो पूरी दुनिया का जो है वॉइज करना चाहते थे और 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम पहले को कह सकते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या इसको हम ले सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड कह सकते हैं फिर उसके बाद दूसरी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि जब इन्होंने सफ़र स्टार्ट किया तो हम इसको लिख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वॉइज या कमेंसमेंट ऑफ़ द वॉइज कह सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद तीसरी सेक्शन हम बना सकते हैं कौन सी कि जिसमें जो है ये जो जहाज था इनका पानी में फंस जाता है जा, मतलब तूफान में फंस जाता है तो उसको हम कह सकते हैं दैट कमिंग ऑफ द कैलोमिटी या द कमिंग ऑफ द स्टॉम ऐसे किसी टाइटल के सब टाइटल इसका बना के हम दे सकते हैं नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर अपने साथी के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करो पहला वट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन वैन फेस्ड विद डेंजर कि क्या डिफरेंस आपने देखा महसूस किया या क्या क्या मुख्तलफ बात थी रिएक्शन में यानी एडल्ट की और चिल्ड्रन की यानी तूफान को देख के या डेंजर को देख के एडल्ट जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं एडल्ट हो गया बड़े ठीक है और बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं तो इसमें आप बताओ कि आपने क्या डिफरेंस जो है वो नोटिस किया तो कहानी पढ़ के तो हम हम हमने यही नोटिस किया कि यहाँ पे जो एडल्ट्स थे वो खास करके मैरी का अगर बताएं तो मैरी होगी तो वो मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वरिड थी काफ़ी फ़िक्रमंद थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और ये नरेटर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था लेकिन इनके जो दोनों बच्चे थे सू एंड जोनीथन वो दोनों जो हैं वो बड़े ही जो हैं सब्र का जो है उन्होंने मुजाहरा किया और हालांकि सू को लगी हुई भी, भी, भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की ना ही अपने ज़्यादा ज़ख़्मों को बताया तो इस कहानी को देखकर तो ये लगता है कि बच्चे जो हैं उन्होंने फिर भी बहादुरी का मुजाह किया और बड़ों ने उतनी बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा होता है कि असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि आ, कुछ ऐसा होता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बड़े जो हैं वो आ, किसी ख़तरे का जो है वो थोड़ा डट के सामना कर सकते हैं नेक्स्ट है हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू द डायरेक्ट द सॉरी द दायरेस्ट स्ट्रेस तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या ये स्टोरी सजेस्ट करती है कि ऑप्टीमिज़म optim, ऑप्टिमिज्म होता है कि पॉजिटिव ख्याल कि आपकी आपने जो उम्मीद है वो पॉजिटिव रखनी है कि नहीं हाँ ऐसा होगा नेगेटिव जो है आपने उम्मीद नहीं रखनी तो कहता है कि ये कहानी कैसे जो है वो सजेस्ट करती है इस तरफ इशारा करती है कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो अगर खुश उम्मीदी हो तो किसी भी स्ट्रेस को जो है वो इंडियोर किया किया जा सकता है किसी भी स्ट्रेस को बर्दाश्त किया जा सकता है और किसी भी मुश्किल का सामना जो है वो हम कर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल इस कहानी को देख के हमें बिल्कुल ऐसा लगता है और इस तरफ ये कहानी इशारा भी करती है कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर नरेटर ने और कैप्टन के, ने अगर पॉजिटिवली नहीं सोचा होता उसको उम्मीद ना उसने उम्मीद ना रखी होती बचने की तो वो शायद कब के मर गए होते कब के वो डूब चुके होते लेकिन आ, कुछ कुछ वजह वजूहत की वजह से खास करके सू ने जो बहादुरी का मजाहरा किया और बाकी सब ने जो लैरी ने और सेगल ने जो है वो बहादुरी का मजाहरा किया उन्होंने किस तरीके से लगातार पंप करते रहे साथ ही मैरी ने जो जो है व्हील संभाल के रखा यानी साथ दिया तो इन सब से जो है कैप्टन के अंदर ऑप्टिमिज्म आया एक पॉजिटिव थिंकिंग आई खुश उम्मीदी आई कि हाँ हम इससे बाहर निकल सकते हैं हाँ हम बच सकते हैं तो बिल्कुल ये कहानी जो है उस तरफ इशारा करती है थर्ड है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी फेस वी वैन वी आर फेस टू फेस विद डेथ कहता है कि हमें क्या लेसन मिलता है हमें क्या सबक जो है वो मिलता है ऐसे एक्सपीरियंसेस से यानी ऐसे तजुर्बों से जो कि हजारदस हैं यानी जो कि ख़तरनाक हैं ठीक है उनसे हमें कैसा जो है वो आ, सबक मिलता है जब हम आ, मौत के सामने होते हैं बिल्कुल तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्टोरी को पढ़ने के बाद हमने ये देखा और हमें जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है अगर वहाँ पे भी कभी कोई ऐसा तजुर्बा करने को मिला तो हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो कितने भी बड़ा तूफ़ान हो कितना भी कितनी भी मुश्किल राह हो अगर हम हमारे अपनों का हमारे साथ, साथ हो अगर हम मिलजुल के कोशिश करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं जैसे कि जुनीथिन जो है वो कहता है कि जॉन कहता है बच्चा जो इसका वो कहता है कि अगर आ, हमें मर हम अगर हम मरे भी तो कोई गम नहीं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं आप हो मैं हों मम्मी हैं और सो हैं तो इससे जो है वो नरेटर को और ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो आ, आ, वाइब मिलती है और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म उसमें आता है और वो और ज़्यादा कोशिश करता है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे अपनों का साथ हो और हम मिलजुल के जो है वो कोशिश करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो कितनी भी बड़ी लहर हो हम उसका सामना कर सकते हैं Why do डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस in spite ऑफ द risks involved? अब वो क्यों लगता है कि लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं ऐसे एडवेंचर्स जो है वॉइज पे एक्सपर्डिशन पे यानी इतने बड़े बड़े सफरों पर जाते हैं समुद्री जहाज पर या कहीं पर भी हालांकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है तो इसे हम कह सकते हैं कि तो ये तो इंसान की फितरत है कि उसे आ, हर चीज़ जो है वो बेहतर चाहिए उसे नई चीज़ें चाहिए वो जो है नए तजुर्बात करना चाहता है एक्सपीरियंस करना चाहता है तो इसलिए हमें जो है हम देखते हैं कि ये जानने के बावजूद जानते हुए कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है बहुत बड़ा ख़तरा है फिर भी जो है इंसान क्या करता है ऐसे बड़े बड़े ख़तरों को मोल लेता है क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है एक जानने की चाह है उसे दुनिया देखने देखनी है उसे दूसरों के जो दूसरों ने कोई बड़ा काम किया उससे इंस्पिरेशन लेके वही काम करना है तो इसीलिए इतना बड़ा रिस्क जो है वो इंसान लेता है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक गेल एंड in इन account. Here आर टू मोर वर्ड्स फॉर storm: टाइफून एंड साइक्लोन हाउ many वर्ड्स डज योर language हैव फॉर storm? <laughs> कहता है कि हमने यहाँ पे आ, कहानी में पढ़ा एक तो गेल पढ़ा और एक पढ़ा स्टाम स्टाम हो गया तूफान और गेल भी यहाँ तूफान के आ, जिमर में जो है वो यूज़ हुआ है और कहता है कि स्टॉम के लिए दो लफ्ज और हैं वो हैं टाइफून एंड साइक्लोन और ये फिर हमें कहते हैं कि आपकी ज़ुबान में तूफान को स्टॉम को कितने लफ्जों से जो है वो बुलाया जाता है कहा जाता है तो ये जो है ये आपको खुद करना है आपने देखना है कि आपकी अपनी जुबान में तूफान के और कितने लफ्ज हैं और कितने सेनोनीम्स हैं हेयर आर द टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स याच बोट कैनो शिप स्टीमर स्खूना थिंक ऑफ सिमिलर टर्म्स इन योर लैंगवेज के इंग्लिश uh, में ये जो वर्ड्स uh, हैं जैसे कि याच बोट कैनो शिप ये लगभग वैसल्स जो होती हैं किश्ती टाइप ऑफ जो कश्ती हैं यानी टाइप ऑफ बोट है उनके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है याच भी एक बोट है बोट भी एक बोट है कैनो भी एक बोट टाइप है शिप भी एक बड़ी बोट समझ लें स्टीमर भी एक बोट है तो कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज में बोट्स के लिए कितने लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल की जाते हैं ये भी आपने बताना है कैटाम इस अ काइंड ऑफ बोट डू यू थिंक डू यू नो विच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड इज़ डाइड फ्राम चेक द डिक्शनरी कैटा मैरान जो है वो भी एक बोट को कहा जाता है हिंदु, हिंदुस्तान की इंडिया की किसी एक ज़ुबान में आप ढूँढो के किस जुबान में कहा जाता है ये भी आपने ढूँढनी हैव यू हर्ड एनी बोट मैन सॉन्ग्स क्या आपने मछुआरों के या बोट वालों के जो बोट में सफ़र करते हैं जो कश्ती चलाते हैं उनके कोई सॉन्ग सुने गाने सुने वट ऑफ इमोशंस डू दीज सॉन्ग्स यूजली एक्सप्रेस किस टाइप के इमोशंस जो हैं वो इन गानों के अंदर होते हैं अगर आपने सुने हैं तो ठीक है नहीं सुने हैं तो फिर आप इसके लिए सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे भी और ज़्यादातर जो ये गाने होते हैं इन बोट बोटमैन के वो ज़्यादातर समुंदर के बारे में होते हैं घर से दूरी के बारे में जुदाई के बारे में और कैसा जो वो, वो कितना सफ़र करते हैं कितना बर्दाश्त करते हैं ये सब वर्किंग विद वर्ड्स द फॉलोइंग वर्ड्स यूज इन द टेक्सट एज शिप टर्मिनोलॉजी आर ऑल्सो कॉमनली यूज इन अन अदर सेंस इन वट कॉन्टेक्स्ट वुड यू यूज द अदर मीनिंग ठीक है क्या था कि ये जो निजे वर्ड्स हैं ये ज़्यादातर शिप के जो है वो उसमें इस्तेमाल हुए हैं आ, शिप की एज अ पार्ट इस्तेमाल हुए हैं लेकिन इन वर्ड्स का कुछ और मतलब भी है शिप के अलावा भी वो आपने ढूंढना है वो आ गया जैसे नॉट आ गया स्टर्न आ गया बूम आ गया हैच आ गया एंकर आ गया ठीक है जैसे नॉट जो है जैसे नॉट जहाज के जिमर में इस्तेमाल होता है दूरी के लिए और नॉट अगर ऐसे हम देखेंगे तो ये गांठ गांठ को भी कहते हैं यानी धागे की गांठ रस्सी की गांठ उसको उसके बाद स्टर्न भी जो है एक पार्ट है शिप का लेकिन ऐसे स्टर्न का मतलब आ, अलग से जो स्टर्न का मतलब भी है उसको इस वे में भी यूज़ करते हैं कि सख्त के वे में भी यूज़ करते हैं उसके बाद बूम बूम के दो मायने एक तो ये मायने कि जो के पार्ट है जहाज़ का और एक बूम का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाना यानी एकदम से उसकी जो है वो बढ़ोतरी हो जाना जैसे हम कहते हैं कि ये जो लास्ट के दस साल हुए हैं इनमें स्मार्टफोन्स का बूम आया यानी बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन जो हैं वो दुनिया में आए हैं तो इसको बूम कहते हैं ठीक है उसके बाद हैज वोड हैज वोड मैंने आपको बताया था कि एक ढक्कन होता है जो शिप के ऊपर होता है जिसके जिसको खोल के हम नीचे वाली बॉडी में जाते हैं लेकिन हैच का मतलब ये भी है जब ये अंडे जो होते हैं जैसे चिकन के अंडे हो गए हैन के या किसी और बर्ड के तो उनमें से या किसी और रेप्टाइल के या किसी भी एनिमल के जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो उसको भी हैच कहते हैं एंकर एंकर जो है शिप के ज़िमर में उस लंगर को कहते हैं उस बहुत एक बहुत बड़ा लोहे का जो है पीस होता है जो कि रस्सी के साथ बांधा होता है और उसको घिराया जाता है पानी में ताकि शिप जो है वो इधर उधर ना जाए और एंकर का मतलब एक सहारे सहा एज अ सहारा भी इस्तेमाल होता है और एक जो बड़ा आम जो है मीनिंग इसका वो ये है कि न्यूज़ का एंकर न्यूज़ बोलने वाले जो होते हैं उनको भी हम एंकर कहते हैं द फॉलोइंग थ्री कंपाउंड वर्ड्स एंड इन शिप व्ट डज ईच ऑफ दैम मीन एयर शिप फ्लैग शिप लाइट शिप एयरशिप का मतलब तो ये हो गया कि हवा में चलने वाला शिप यानी जहाज़ फ्लैगशिप हो गया फ्लैगशिप के दो मीनिंग हैं एक तो शिप के ऊपर लगा हुआ फ्लैग और एक फ्लैगशिप का मतलब ये है कि जैसे कोई नई स्कीम आती है मतलब सरकार कोई स्कीम लाती है ठीक है और उसको हाईलाइट किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लैगशिप स्कीम और लाइट शिप हो गया लाइट शिप का मतलब ये एक हल्का शिप भी कह सकते हैं ठीक है तो इसको इसके और मीनिंग्स भी हो सकते हैं जो कि आपने ढूँढे हैं

एक है टेक ऑन टेक ऑन एस टी एच लिखा हुआ है टेक ऑन एस टी एच का मतलब है टेक ऑन समथिंग इसका मतलब ये होता है कि कि uh, as, कुछ एज्यूम कर लेना एज्यूम यानी मान लेना कि हाँ ये चीज़ ऐसी है या फिर कोई क्वालिटी ले, ले लेना ठीक है कोई आदत जो है वो ले, ले लेना किसी दूसरे की उसके बाद टेक सम बॉडी ऑन इसको जो है इसका भी एस बी का मतलब सम बॉडी है इसका मतलब यह है या तो किसी को एम्प्लॉय कर लेना या ले नौकरी पे रख लेना काम पे लगा लेना एंगेज कर लेना ठीक है या आ, क्या करना कि आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो तो अपना जो मुखालिफ है उसको जो है एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं इसके साथ गेम खेलूँगा या मैं इसके साथ मुकाबला करूँगा उसको भी कह सकते हैं टेक सम बॉडी ऑन उसके बाद टेक सम बॉडी समथिंग ऑन दोनों इस्तेमाल कंपाउंड करके कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है टू डिसाइड टू डू समथिंग कि कुछ करने का फ़ैसला लिया ठीक है थिंग्स टू डू गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ अ पिक्चर ऑफ अ याच लेबल द पार्ट्स ऑफ द याच यूजिंग द टर्म गिवन इन द बॉक्स अब ये आपको एक पिक्चर दी है याच की एक टाइप की कश्ती है ठीक है बोट है अब इसमें आपने जो है क्या करना है ये जो वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं इनको जो है इन एरोज़ के आगे लिखना है कि कौन कौन सी है? जैसे हमने किया था इसमें क्या कहता है ये जो कपड़े वाला ये मैंने आपको बताया था कपड़ा सा है ना ये जो सेकेंड नंबर एरो है तो ये इसको हम कह सकते हैं इसको क्या ये होती है सेल हाँ देखते हैं सेल है कि नहीं मेन सेल ये लिखा ना उसके बाद जो फर्स्ट वाली एयर सबसे ऊपर ये मास्ट के ऊपर इशारा कर रही है तो हमने जो है वो किया था लास्ट वीडियो में इसके पार्ट्स देखे थे तो इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मास्ट ये मास्ट लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद उसी तरीके से ये जो नीचे वाला पार्ट है टेक अ ब्रश तो ये आ गया पहला वाला इसको हम कहेंगे मास्ट मास्ट और इसको कहेंगे मेन सेल ठीक है उसके बाद ये नीचे वाला है ये मैंने आपको बताया था नीचे वाला मैंने आपको बताया था इसको हम कहते हैं हल ठीक है हल है कि नहीं आप हल नहीं है तो इसको हम कैबिन कह सकते हैं ठीक है उसके बाद ये पीछे वाला इसको हम रडर कह सकते हैं तो इस तरीके से कुछ जो है आपने जो है वो खुद करने ठीक है हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन डाउनलोडिड फ्राम द इंटरनेट ऑन द एम्सटरडम यू कैन व्यू इमेज ऑफ द आयल ऑन इले ऐम्स्टरडैम आयल इफ़ यू गो ऑनलाइन कि ये कुछ इंफॉर्मेशन ने इंटरनेट से डाउनलोड की है इले एम्स्टरडैम वो जो आईलैंड है जजीरा है ना जिसपे वो जाते हैं मतलब लास्ट में उतरते हैं उसके बारे में तो कहते हैं कि इस ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए इंटरनेट पर जाओ और इस आईलैंड को देखो आप गूगल से इसमें जा सकते हैं लोकेट इले एम्सटरडम ऑन वर्ल्ड मैप और फिर वर्ल्ड मैप अगर आपके पास हो तो उससे उसके ऊपर इले, इले डैम आइलैंड को क्या करो लोकेट करो उसको वहाँ पे टिक करो कि ये कहाँ पे है नोट्स दिस इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरस और ऑडियल डेट आ फैमिली एक्सपीरियंसिस नोट में सबसे पहले कहते हैं कि ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है यानी जो अकाउंट हमने कहानी पढ़ी ये स्टोरी पढ़ी है ये किस ये बंदे ने फर्स्ट पर्सन में मतलब खुद की लिखी है तो आ, ये एक उसका पर्सनल अकाउंट है ऑफ ए एडवेंचर, ऑफ एन एडवेंचर एडवेंचर जो है आ जो बंदा खुद जिसने एडवेंचर का एक्सपीरियंस किया ये उसके बारे में है ठीक है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दिस सेक्शन डील्स विद फैक्चुअल एंड ग्लोबल कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस इज गिवन इन डिस्क्राइबिंग एंड नोटिसिंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें कहते हैं कि इस टेक्स्ट को एक बार हमें देखना है अच्छी तरीके से इसमें सेक्शंस दी हुई हैं उनको देखना है और हमें ये नोटिस करना है और जानना है कि कैसे टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वैरायटी ऑफ टर्म्स फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इन डिफरेंट लैंग्वेज ये अच्छा ये सारे नोट्स आगे यानी ये चीजें हमने कर ली हैं ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं आज हो गए हैं आई होप आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड इसको कर चुके होंगे बाकी आपने खुद कोशिश करनी है इसको लिखने की ठीक है और फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको आ, करेंगे या ग्रामर का पार्ट लेंगे या किसी बुक का पार्ट लेंगे तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ चुकी होगी और आ, जिसको नहीं समझ आई या जिसने नया ज्वाइन किया है तो वो ग्रुप में आ, इन जो लिंक्स में भेज रहा हूँ यूट्यूब से हमारे चैनल से उसको जो है वो देख सकता है ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे जो है वो मौजूद हैं वो मिल जाएंगी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं लास्ट का जो चैप्टर था इससे पहले रंगाज़ मैरिज हमने वो भी इसमें किया था और ये चैप्टर भी आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गया और आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफ़